हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। और आज जो हमारा टॉपिक है, यानी कि ये भी एक सीरीज़ है, मेरी पुरानी सीरीज़ से थोड़ा अलग है, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरी मुझे आ रही थी कि स्टार्टअप आजकल जो इतना फेमस हो रहा है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा नॉलेज मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसके ऊपर भी कुछ पार्ट्स के साथ एक सीरीज़ बना दूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। पर मेरी जो पुरानी सीरीज़ है वो चलती रहेगी, उसमें आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, तो आप उसको अपना पूरा का पूरा सपोर्ट करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। तो चलिए, आज का जो हमारा सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, और ये जो सीरीज़ है ये है स्टार्टअप इंडिया, यानी कि आप इंडिया में कैसे अपने स्टार्टअप्स को इस्टेब्लिश कर सकते हो, उसको लेकर ये पूरी की पूरी सीरीज़ रहने वाली है। और उसका पार्ट फर्स्ट आज मैं आपको उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो दूंगा वो है कि सबसे पहले स्टार्टअप होता क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टार्टअप जब आप समझ जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इतने इनिशिएटिव बना रखा है स्टार्टअप इंडिया, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, ताकि तब आप आगे जाएं तो आपको पता लगे कि इस इनिशिएटिव के अंडर आपको कितना बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप कैसे अपना स्टार्टअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस हैं, जब आप उसको पूरा करेंगे तभी आप स्टार्टअप में अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो गाइज, स्टार्टअप के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टार्टअप एक ऐसा बिज़नेस, यानी कि कोई भी छोटा बिज़नेस या छोटा बिज़नेस आइडिया जिसको आप लोग फ्लोर पे लेके आते हो, कोई भी एक आदमी या तीन या चार आदमी मिलकर जब भी कोई अपना एक बिज़नेस स्टैब्लिश करते हो, वो छोटे लेवल पे होता है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में बिज़नेस का जो कल्चर है वो बढ़े, लोग एम्प्लॉयमेंट में, मतलब खुद एज ए एम्प्लॉय वर्क ना करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट में लेके आए, खुद बिजनेस में जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, गवर्नमेंट चाहती है। तो उसके लिए क्या है, आपको खुद के बिजनेस इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो बिज़नेस कोई भी आदमी इस्टेब्लिश करे, चाहे वो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन करे, कलेक्टिव बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स करे, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस मिलके स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन वो बिज़नेस होना चाहिए आपका, और वो बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जब भी अपना कोई बिज़नेस लेके आ रहे हो मार्केट में, तो उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव स्टेप्स होने चाहिए, या फिर आप कोई भी नया प्रोडक्ट या नई तरीके की सर्विस मार्केट में लेके आइए, तभी आप लोग स्टार्टअप अपने आप को कहला सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आप समझिए, अब मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट जो पहले से ही एक बड़े लेवल की कंपनी बेच रही है, या कोई सर्विस मार्केट में पहले से ही दी जा रही है, अब अगर आप उसी सर्विस या उसी तरह के प्रोडक्ट को सेम तरीके से लोगों के सामने ला के प्रेजेंट कर दोगे, तो कंज्यूमर क्यों आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट लेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब तक आप उसमें कुछ नयापन नहीं लाएंगे तब तक कोई भी कंज्यूमर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव उसमें ज़रूर होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज आप अपने बिजनेस के थ्रू कंज्यूमर तक पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्टअप का ओवरव्यू। अब जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव है, यानी कि एक स्कीम है जिसमें जो नए स्टैब्लिश स्टार्टअप्स हैं, यानी कि छोटे बिजनेस हैं, छोटे लेवल के जो बिजनेस हैं, उनको गवर्नमेंट कुछ नॉर्म्स, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो अपने स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करा सकें, और कुछ बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो आपको मिल सकें, ताकि आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपके बिजनेस पे हो, ना कि उसमें लगने वाली कॉस्ट पे हो, उसमें लगने वाले फंड पे हो, और साथ साथ और भी बहुत सारे कंप्लायंसेज होते हैं उस पे ना हो के आपका पूरा फोकस आपके बिजनेस पे हो, ठीक है। और जब तक गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करेगी बिजनेस को, तो लोग बिजनेस एज बिजनेस कल्चर को भी प्रमोट नहीं करेंगे, खुद बिजनेस में आएंगे भी नहीं, क्योंकि बिजनेस जो है इंडिया में थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, इसमें आप लोग खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर कराने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या हैं, यानी कि स्टार्टअप में रजिस्टर कराने के पहले कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फिल्टर्स हैं, उनको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। देखिए, अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाएं, तो आपका जो बिज़नेस है वो सबसे पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में। अब वो बिज़नेस चाहे किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड हो,
लेट्स एग्जांपल लाइक कि अगर आप कंपनी बना रहे हो तो वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और अगर आप कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो वो LLP एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन के आपका जो स्टार्टअप है, मान लीजिए आपने अभी इसी साल 2020 में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो अगले आने वाले 10 साल तक के लिए स्टार्टअप में रजिस्टर कराने के लिए एलिजिबल है, यानी कि आने वाले 10 साल में आप अपने बिजनेस को कभी भी रजिस्टर करा सकते हैं स्टार्टअप इंडिया के अंदर, ठीक है। अब वो 10 साल जो है, पहले की गवर्नमेंट ने आई थिंक ये 7 साल थे पहले, लेकिन 2015 से शायद ये 7 साल को बढ़ा के 10 साल कर दिया गया। उसके बाद अब अगर आप अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं और ये क्लेम करते हैं कि भाई हम अभी छोटे बिजनेस हैं तो हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो, हमको फंड्स की ज़रूरत है, फंड्स प्रोवाइड कराओ, तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि आप छोटा हैं तो छोटा दिखिए भी, ठीक है। यानी कि आपका जो टर्नओवर है, जो 10 साल की जो क्राइटेरिया है कि आप रजिस्ट्रेशन से लेके अगले 10 साल तक में कभी भी स्टार्टअप में आ सकते हो, तो उस 10 साल के पीरियड में किसी भी साल आपका टर्नओवर या कलेक्टिवली भी अगर हम देखें तो 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गए, यानी कि आप लोगों का बिज़नेस छोटा नहीं है, आप काफ़ी बड़े लेवल पे अपने बिज़नेस को फैला रहे हो या उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि छोटे बिज़नेस को वो प्रमोट करना चाहती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके जो इनोवेटिव स्टेप्स हैं, मतलब आप जब भी अपना प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज लेके आ रहे हो और आप बोल रहे हो कि भाई ये और दूसरे प्रोडक्ट या सर्विसेज से अलग है, तो आपको उसके लिए जो DPIIT एक इंडिया का क्या कहते हैं मिनिस्ट्री का एक कहते हैं डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू आपको एक रिकग्निशन लेना पड़ेगा, रिकग्निशन लेटर लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप औरों से अलग क्यों हैं, किस तरह से हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मेन ध्यान देना, सबसे ज़्यादा जो मेन ध्यान रखने का पॉइंट है वो यही है कि आप अपने बिजनेस में किस तरह का इनोवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या किस तरह की इनोवेशन अपने सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, ये जब इंडिया में आए थे इससे पहले ये सर्विसेज कोई और कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही थी, तो ये लोग एज अ स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हुए, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ना कुछ इनोवेटिव था इंडिया में, इससे पहले ऐसा कुछ था नहीं इंडिया में, ठीक है। अब अगर आप भी अपने आप को बोलना चाहते हो कि भाई हम कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, तो उसमें इनोवेशन दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है कि जब आप स्टार्टअप में आते हो, ठीक है, स्टार्टअप में जब आप आते हो तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आप लोगों का जो मेन गोल है और जो मेन फोकस है वो आपके बिजनेस पे होना चाहिए, ना कि फर्दर अदर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग, गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है स्टार्टअप इंडिया के अंदर, आपको बहुत सारी क्या कहते हैं बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रही है, तो गवर्नमेंट भी आपसे चाहती है कि आप लोगों का जो ध्यान है वो ग्रोथ की तरफ हो, ना कि एनी अदर थिंग्स, ठीक है। अब जो बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप इंडिया के वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा इनकरेज हों और आप लोग भी अपने आप को स्टार्टअप में रजिस्टर करा पाएँ, ठीक है। अब बेनिफिट सबसे पहला क्या होता है, देखिए बेनिफिट्स भी तभी मिलेंगे आपको जब आप खुद को DPIIT डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर कराएंगे। अब DPIIT क्या है, ये एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, यानी मिनिस्ट्री है एक, जो इकोनॉमिक एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारी, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट है, उसमें आपको रिकॉग्निशन लेटर लेना पड़ेगा। वो लेटर मिलने के बाद ही आपको कुछ बेनिफिट्स मिल पाएंगे जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपको। जैसे कि जब आप स्टार्टअप में आते हैं, अपना बिजनेस बना रहे हैं, तो आपको बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर भी अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। अब ये जो वर्ड है ये टेक्निकल है, मैं आपको उसको सरल भाषा में बोलूँ तो आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ेगा। जब आप इनोवेशन लाते हैं तो इनोवेशन के लिए कॉपीराइट रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए एक काफ़ी अच्छी फीस चार्ज होती है अगर आप नॉर्मल बिजनेस अपना रजिस्टर कराते हैं, लेकिन जब आप स्टार्टअप के अंदर अपना ट्रेडमार्क या अपना कॉपीराइट रजिस्टर कराते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको उसमें लगने वाली जो फीस है उस पर काफ़ी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, और वो ऑलमोस्ट 80% के आसपास है। वो मतलब इन ये जो कहते हैं बेनिफिट्स हैं, इनका पूरा का पूरा, मैं अगर इसको पूरा एलिब्रेट करूं तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा, अभी मैं उसका सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि जैसे NGT, अब आपने अपना खुद का कोई बिजनेस स्टैब्लिश करा, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, बना रहे हो तो आप कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस का जो सर्टिफिकेट या लेना होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक वाइट लिस्ट प्रोग्राम बना दिया NGT के अंदर ही। आप उस प्रोग्राम के अंदर उसमें 36 बिजनेस उसमें डाले गए हैं, उसमें से आप कुछ भी चुनते हैं, आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत है ही नहीं। ऑटोमेटिकली जब आप स्टार्टअप में रजिस्टर कराओगे आपको वो क्लियरेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी एक कहते हैं कि रिलैक्सेशन है बिज़नेस स्टार्ट करने वालों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ यही होती है बिज़नेस में, ठीक है। तीसरी चीज़ कि आपको जब आप अपना एक बिज़नेस एक्सपेंड कर रहे हो या बिज़नेस बढ़ा रहे हो तो आपको लेबर की भी उसमें ज़रूरत होती है। अब लेबर लॉ के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट बोलती है कि हर साल आपको लेबर लॉ का भी एक छोटा सा ऑडिट होता है जो कोई भी प्रोफेशनल कर सकता है, ठीक है, जनरली लाइक CA या CS कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें भी आपको एक रिलैक्सेशन दे दिया है गवर्नमेंट ने कि आप ये ऑडिट ना करा के खुद से उसको सर्टिफाई करें, खुद से एक सर्टिफिकेट इशू करें कि आप लोग लेबर लॉस को भी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में लेबर्स की जो हालत है वो काफ़ी बुरी है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, लेकिन आपके साथ काम करने वाली जो लेबर है, लेकिन साथ साथ उस लेबर का भी ध्यान रखो जो आपके साथ आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपकी मदद कर रही है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो स्टार्टअप या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी नीड होती है फंड्स की, कि फ़ंड कहाँ से आएगा बिज़नेस के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए भी आपको प्रोवाइड कराती है, यानी कि कुछ ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो स्टार्टअप्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि वो आपको फ़ंड प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन वो आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर जो डिपार्टमेंट है DPIIT उसमें आप खुद को रजिस्टर कराएंगे, ठीक है, क्योंकि फंड्स आपको दे रहे हैं। अगर आप उसको ऐसे ही कहीं भी लगा रहे हो और उस पर बेनिफिट नहीं लेके आ रहे हो तो गवर्नमेंट आपको फ़ंड देने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। और जो लोग फ़ंड लगा रहे हैं आपके साथ वो लोग भी तभी लगाएंगे तब आप लोग का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा होगा, उसमें ग्रोथ के चांसेस अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पूरी एक कहते हैं कि अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एक खुद का बनाएं, ताकि जब भी आपको कहीं पे प्रेजेंट करना हो खुद को आप 100% के 200% के साथ अपने आप को प्रेजेंट करें, और कॉन्फिडेंस के साथ जब भी प्रेजेंट करें तो कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करें, ताकि आपका बिज़नेस मॉडल लोगों को ईजिली समझ में आए, साथ साथ वो औरों से अलग भी लगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि स्टार्टअप आपने इस्टेब्लिश कर लिया, 10 साल हो गए आपको, 12 साल हो गए, आपको लगा कि यार स्टार्टअप मैंने इस्टेब्लिश किया, इतना पैसा मैंने लोगों का लगवाया लेकिन कहीं बेनिफिट नहीं हो पाया, तो आप लोग एग्ज़िट करना चाहते हो। अब अगर आप कंपनी हो, कंपनी अगर एग्ज़िट करती है तो उसको कंपनी के रूल्स के हिसाब से, कंपनी में वाइंडिंग अप, मर्जर, एमलगमेशन, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू उनको वाइंड अप या उनको फिनिश किया जाता है, यानी कि एक तरीके से उनको एग्ज़िट कराई जाती है बिज़नेस से, ठीक है। लेकिन जब आप स्टार्टअप में रजिस्टर हैं तो आपका जो एग्ज़िट और उसमें एंट्री वो काफ़ी स्मूथ और ईजी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब आप रिकॉग्निशन लेटर ले लेते हैं DPIIT का, तो आपको टैक्सेशन में भी बहुत बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो मान लीजिए आपने आज बिज़नेस स्टैब्लिश करा, आने वाले 10 साल में आपको अगर लॉस होता है तो 7 साल के लिए आप लोगों का वो जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। 10 साल के लिए अंडर सेक्शन 80IAC के अंदर आपको इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलती है 7 साल में से 3 साल के लिए, सॉरी 10 साल में 7 साल बोला मैंने, पर आने वाले 7 सालों में 3 साल के लिए आपको एग्जम्पशन मिल जाती है कि आप कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। और जो वो कैरी फॉरवर्ड होता है वो 7 साल के लिए होता है, लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो 7 साल के लिए होगा, और जो टैक्स की छूट मिलेगी वो 3 साल के लिए मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ एक जब आप एग्ज़िट करते हो स्टार्टअप से तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपके जो असेट्स में अगर वो 50 लाख या उससे कम का है तो उसके लिए भी आपको कैपिटल गेन हेड के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाती है अंडर सेक्शन, आई थिंक मेरे को ठीक से याद नहीं बट शायद 53GB है, उसके अंदर भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट हैं जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप लोग बिजनेस स्टार्ट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें ताकि इंडिया की ग्रोथ अच्छी हो। अब आगे आने वाले पार्ट हैं कि ये रिकॉग्निशन लेटर आपको कैसे मिलेगा, ये जो बेनिफिट्स हैं उसको मैं खुल के एकदम डिटेल में जाके आपको डिस्क्राइब करूँगा, और ये DPIIT के लिए या स्टार्टअप के लिए कैसे रजिस्टर करना है खुद को उसकी प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियोज़ को अपने जितने भी दोस्त आ रहे हैं या जितने भी आपके जानने वाले हैं जो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में इन्हें उन सबको इसके बारे में बताइए ताकि वो लोग भी खुद को स्टार्टअप में रजिस्टर करा के बेनिफिट्स ले पाएँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है। ओके, धन्यवाद, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।